हेलो गाइस, मैं तरन्नुम साकिब आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। तो जो न्यू है मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक न्यू न्यू रेसिपी सीखने के लिए, एक न्यू न्यू वीडियो देखने के लिए। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ फिश बिरयानी की रेसिपी, आज मेरी मम्मी बनाएंगी। तो फुल वीडियो में बने रहें और चलें बनाते हैं, मम्मी बनाती हैं और हम सब सीखते हैं। फिश बिरयानी बनाने के लिए यहाँ है 1 kg रोहू फिश, इसे मैंने अच्छे से बिल्कुल वॉश कर लिया है नींबू नमक से बिल्कुल, और इसको अच्छे से घिस घिस कर, क्योंकि इसको किसी भी सील बट्टा या कहीं भी घसेंगे तो ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। यहाँ मैं ले ली हूँ 1 kg से थोड़ा सा कम है बासमती राइस। यहाँ मैं ली हूँ 2 बड़े साइज़ का प्याज और 2 बड़े साइज़ का टमाटर। यहाँ ली हूँ 2 बड़े साइज़ की आलू जिसे मैंने बड़े साइज़ में कटिंग की हूँ। यहाँ ली हूँ बाउल से थोड़ा सा कम है मटर, और यहाँ है ये मसाला। आज की जो रेसिपी है ये मेरी मम्मी बनाने वाली है, तो मम्मी ने पहले से ही मसाले वगैरह निकाल दी थी, मुझे कहा तुम तैयारी कर दो बनाऊँगी मैं। तो मम्मी ने इसमें लिया है 20 से 25 लहसुन की कली है, सरसों है, धनिया है, छोटी इलायची है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, 1 टीस्पून है सारी चीज़ें। इस टीस्पून से 1 ज़ीरा, 20 से 25 होगा काली मिर्च, धनिया, सरसों, लाल मिर्च है 8 पीस है लाल मिर्च, इसमें ग्रीन भी पड़ेगा, हरी मिर्ची पड़ेगा, लहसुन है। तो इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी, टमाटर और प्याज का भी पेस्ट बनेगा, बिल्कुल बारीक से पेस्ट बनाना है। तो ये रेसिपी है मेरी मम्मी का, तो मम्मी जैसे बनाएंगी और मैं स्टेप बाय स्टेप आप सबको दिखाऊंगी। तो फिश बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनाती हैं और बहुत अच्छा बनकर तैयार भी होता है। तो यहाँ मसाला भी पीस कर रेडी हो चुका है, और मछली में 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून से ज़्यादा ही ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्दी नमक को। हल्दी नमक की कोटिंग मछली पे हो जानी चाहिए, और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, और उसके बाद इसको मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तब तक चावल को वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई में डाल दिया गया है, गरम हो रहा है, मस्टर्ड ऑयल में ही मछली फ्राई होगा। यहाँ तेल अच्छे से गरम हो चुकी है, और इसमें फिश डालेंगे फ्राई होने के लिए। तो यहाँ मैंने फिश डाल दी है फ्राई होने के लिए। यहाँ फिश गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है, इसे निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए आलू भी मछली वाले ऑयल में ही फ्राई हो रही है। बिरयानी चावल बघारने के लिए रिफाइन ऑयल पतीली में पड़ गया है गरम होने के लिए, इसको फ्री हीट करेंगे। यहाँ बिरिस्ता के लिए प्याज डाल दिया गया है, इसको बिरिस्ता करेंगे। यहाँ ऑयल अच्छे से गरम था, इसमें मसाला भी ऐड हो गया है। मसाला को तब तक भूनेंगे जब तक नीचे से ऑयल ना छोड़ दें। मसाला को डालने से पहले 1 टीस्पून इसमें मेथी पड़ा है, मेथी को ब्राउन करने के बाद ही मसाला पड़ा है। यहाँ बिरिस्ता रेडी हो चुका है और बिरिस्ता निकल गया है, इसे साइड में रख देंगे। यहाँ है गरम मसाला, इतना ही मसाला हमें बघारने के लिए ऐड करना है। तो यहाँ ऑयल तो अच्छे से गरम था, उसके अंदर ऐड कर दिया गया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चटकते हुए इसको भून लेंगे। ये अच्छे से चटक चुका है, तो यहाँ कूटी हुई अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। इसको 30 से 40 सेकेंड तक अच्छा से भून लेना है। अब यहाँ चावल ऐड कर देंगे। यहाँ आलू और मछली भी अच्छे से फ्राई होके रखा हुआ है। यहाँ सारे चावल को ऐड कर दिए हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेना है। इसके अंदर मटर भी ऐड कर देंगे, और चावल और मटर दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भून चुका है, और इसके अंदर अपने हिसाब से पानी भी ऐड कर लेना है। से
1 kg चावल है तो 1.25 लीटर इसमें पानी पड़ेगा, तो 1.25 लीटर पानी इसमें ऐड कर लेना है 1 kg चावल हो तो। मसाला भी देखें कितना अच्छे से अब धीरे धीरे भून चुका है, ऑयल भी नीचे से छोड़ रहा है और यहाँ पानी भी अब बॉयल हो रहा है, तो इसको फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से कुक होने देंगे। यहाँ मसाला भून चुका है और यहाँ आलू ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू और मसाले को। 5 मिनट के बाद इसमें मछली ऐड करेंगे। 5 मिनट तक आलू और मसाले को अच्छे से कुक होने देंगे। चावल बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो देखें हल्की ग्रेवी लगाएंगे। 4 से 5 मिनट इसे अच्छे से पका लेंगे, उसके बाद मछली ऐड करेंगे। यहाँ लेंगे फिश बिरयानी मसाला, तो 2 टीस्पून फिश बिरयानी मसाला ऐड कर देना है। ये है इसकी पैकेट। ये मसाला आपके पास ना हो तो आप घर पे ही गरम मसाला पाउडर बनाकर आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ फिश भी ऐड कर देंगे, तो यहाँ अम्मी ने फिश को डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर रही हैं। तो यहाँ लग रहा था नमक थोड़ा सा कम, तो ऊपर से नमक ऐड कर देंगे। इसमें हमने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। चावल में 3 टीस्पून नमक ऐड हुआ है और फिश करी में जो इसका फिश का इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड हुआ है, तो आप अपने अंदाज से हिसाब से नमक ऐड करें। अब यहाँ थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। यहाँ दम लगाएंगे, तो यहाँ दम लगाने के लिए पहले रिश्ता धनिया पत्ती को चावल में ऐड करेंगे, उसके बाद एक एक करके फीस ऐड करेंगे। इसके ऊपर से चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ बिरयानी का तह लग चुका है, इसको 20 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, 20 मिनट बाद ओपन करके चेक करेंगे। देखें भाप बन चुकी है, अब बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं भाप निकल रही है, 20 मिनट कंप्लीट हो चुका है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी फिश बिरयानी आप सबको कैसी लगी, और ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है, और ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। आप सबने देखा स्टेप बाय स्टेप मेरी मम्मी बनाती गई और मैं आप सबको बताती गई। तो प्लीज़ जो न्यू है मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि न्यू रेसिपी सीखने के लिए, न्यू वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे कल एक न्यू रेसिपी के साथ।